नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिट्टू कुमार और आज की वीडियो में हम आपको यहाँ पे पेटीएम का प्रोमो कोड बता रहे हैं जो कि बहुत ही सारा यहाँ पे हम आपको बताएंगे। आपको एक एक करके यूज करना है, जो भी आपका अकाउंट में अप्लाई होगा आप उसको यूज कर लेना अपने हिसाब से। चलिए क्या चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगी उस पर आपको क्लिक कर देना है, तब हमारा आपको अगला वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा बिल्कुल फ्री में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं अपने पेटीएम अकाउंट को ओपन कर लेते हैं, और जैसे ही आप ओपन करिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको मिल रहा है मतलब कि मोबाइल प्रीपेड का ऑप्शन। मोबाइल प्रीपेड का ऑप्शन पर जाइए, उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक मोबाइल नंबर लिखना है जिस पर कि आपको रिचार्ज करना है। मैं यहाँ पे एक मोबाइल नंबर यहाँ पे ऑलरेडी टाइप हुआ है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, हम ऑपरेटर को सेलेक्ट कर लेते हैं, और जैसे कि आपको ऑपरेटर सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको स्टेट भी सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद कितना रुपये का आपको रिचार्ज करना है वो भी आपको लिख देना है। मैं यहाँ पे जो है 65 रुपये का रिचार्ज कर देता हूँ, क्योंकि बार बार हम अमाउंट को चेंज नहीं करेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं फास्ट एंड फॉरवर्ड के ऑप्शन पे आपको क्लिक नहीं करना है, क्लिक करना है प्रोसीड टू रिचार्ज के ऑप्शन पे। और जैसे जब प्रोसीड टू रिचार्ज के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो आपको सामने एक प्रोमो कोड का है ऑप्शन मिल जाएगा, हैव अ प्रोमो कोड का ऑप्शन पे आपको क्लिक करना रहेगा। और जैसे जो हैव अ प्रोमो कोड के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अभी यहाँ से होता है पेटीएम का फंडा स्टार्ट। यहाँ पे आपको क्या करना रहेगा, सबसे पहले यहाँ पे हैव अ प्रोमो कोड का जो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एंटर हेयर ऑप्शन पे क्लिक करना है। देखिए एक बार आप अगर क्लिक करते हो तो अगर आपका जो है कीपैड लिखने वाला नहीं ओपन होता है तो आपको एक बार और भी डबल बार क्लिक करना रहेगा, तब आपको जो लिखने वाला कीपैड ओपन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, कोई भी पेटीएम प्रोमो कोड को जितना भी हम आपको बताएंगे, किसी का भी आप कैपिटल लेटर में लिखो, स्मॉल लेटर में लिखो, या फिर किसी भी लेटर में लिखो, कोई दिक्कत नहीं होता है। आपको जैसा मन करे उस लेटर में लिख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में रहना चाहिए, ना कि हिंदी में। देखिए सबसे पहला प्रोमो कोड हम आपको बताते हैं, जो कि शुरू से हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहला जो फर्स्ट से यहाँ स्टार्ट कर लेते हैं, अगर ये FIRST फर्स्ट को अगर आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो यहाँ पे नहीं ले रहा है, यू हैव एक्सीडेड मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइज। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, इसका भी मेरे पास उपाय है। अगर आपके पास ये जो है ऑप्शन आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ बाद में आपको करना क्या चाहिए देगा। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि फर्स्ट प्रोमो कोड मेरा अप्लाई नहीं हुआ, तो हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमें क्या करना रहेगा, फर्स्ट की जगह पे हम अपना जो है PCC फर्स्ट अप्लाई करेंगे, PCC या FIRST। PCC भी फर्स्ट जो है, ये जो है अगर आपका जो है फर्स्ट अप्लाई नहीं ले रहा है तो आप इसको PCC फर्स्ट को भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, PCC फर्स्ट को अगर आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपको 55 रुपये का कैशबैक मिलेगा, लेकिन मैं जो अभी जो है गोल्ड बैक मिल रहा है, क्योंकि मेरे जो पेटीएम का KYC कंप्लीट नहीं है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो पेटीएम का कोई मतलब KYC का कंप्लीट नहीं रहेगा तो आपको गोल्ड बैक मिलेगा। और देखिए जैसा कि देख सकते हैं PCC फर्स्ट में अप्लाई किए हैं, मुझे 55 रुपये का मतलब गोल्ड बैक मिल रहा है। अगर आपका KYC कंप्लीट रहेगा तो आपको कैशबैक मिलेगा। देखिए दोस्तों, आपको घबराने की कोई बात नहीं है, यहाँ पे जो PCC फर्स्ट पर अप्लाई नहीं ले रहा है तो यहाँ पे आपको कट का ऑप्शन मिल रहा है, मैं यहाँ पे जो कट कर लेता हूँ। और यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, पेटीएम का दूसरा फंडा, यहाँ पे आपको अपनाना क्या चीज़ करना रहेगा। यहाँ पे देख सकते हो आपको मिल रहा है वो प्रोमो कोड का ऑप्शन, सेम टू सेम प्रोसेस आपको फिर से कर लेना है। देखिए दोस्तों, अगर फर्स्ट अप्लाई नहीं ले रहा है तो आपको यहाँ पे जो है एक और भी प्रोमो कोड हमको बताते हैं, जिसमें से आपको 50 रुपये का कैशबैक मिलेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे वीडियो को पूरा देखिए शुरू से, और अगर वीडियो को आप स्किप कीजिएगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, फिर आप बाद में कहते हैं कि भाई ये जो प्रोमो कोड है ना अप्लाई नहीं लिया, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, इसलिए आप जो वीडियो को पूरा पूरा देखिए। देखिए दोस्तों, जो दूसरा आता है प्रोमो कोड, यहाँ पे आपको करना है FIFTY50। अगर 50 को अप्लाई करते हो तो यहाँ से हो गया है FUFTY, इसलिए FIFTY आपको अप्लाई करना है। और जैसे FIFTY को अप्लाई करते हो तो इसमें से भी देख सकते हैं मुझे 50 रुपये का गोल्ड बैक मिल रहा है। देखिए दोस्तों, FIFTY या फिर PCC फर्स्ट या फिर PCC फर्स्ट, ये वैसा अकाउंट मिलेगा जिस अकाउंट में मतलब कि ना ही अभी किसी से रिचार्ज किया हो। यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट यहाँ पे अप्लाई ले चुका है, इसमें से मुझे 50 रुपये का गोल्ड मिल रहा है। देखिए दोस्तों, अगर आप रिचार्ज कर रहे हो, अगर आप जो है पहला रिचार्ज कर रहे हो, अगर वो PCC फर्स्ट अप्लाई नहीं ले रहा है या फिर फर्स्ट अप्लाई नहीं ले रहा है, तो आपको फर्स्ट 50 को अप्लाई करना रहेगा, जिसमें से आपको 50 रुपीज़ का कैशबैक आपको मिलेगा। देखिए दोस्तों, अभी पेटीएम का जो ऑफर है खत्म नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे आपको करना क्या रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ पूरा डिटेल्स में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कट का ऑप्शन आपको मिलेगा, कट के ऑप्शन पे आप क्लिक कर लीजिए, उसके बाद फिर अपने जो प्रोमो कोड को है वापस ले लीजिए। देखिए दोस्तों, हम आपको जो दूसरा प्रोमो कोड बताएंगे, लेकिन अभी जो है जो पेटीएम का जो एक ऑफर है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा ऑफर है, लेकिन अगर आप इसको मिस कर दिए हैं तो आपको ये कभी भी नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे जो इसका टाइम तो खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको मिल रहा है कैशबैक ऑप्शन, कैशबैक ऑप्शन पर जाइए। उसके बाद आपको क्या करना रहेगा, सबसे पहले आपको नीचे में स्क्रॉल करके जाना है। देखिए दोस्तों, स्क्रॉल करके जाइएगा, लेकिन ये ऑफर अब आपको हो सकता है कि नहीं मिलेगा। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले नीचे जाना होगा। देखिए नीचे जाते जाते आपको यहाँ पे मिल रहा है 4 पे 40, इस ऑफर को आपको एक्टिवेट करना रहेगा। और देख सकते हैं आपको एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं 16 दिसंबर को ये खत्म होगा। यहाँ पे देख सकते हैं 16 दिसंबर को ये खत्म होगा, और आज टोटल हो गया यहाँ पे देख सकते हैं 14 दिसंबर, मतलब कि आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बचा हुआ है। लेकिन 2 दिन में आपको 4 पेमेंट करना है, लेकिन ये पेटीएम नहीं लेगा, क्योंकि एक दिन में सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट में मतलब एक दिन में सिर्फ और सिर्फ पेटीएम एक ही काउंट करता है।
और यहाँ से आप देख सकते हो इसका जो टर्म एंड कंडीशन को देखा जाए, सबसे पहले इसका जो टर्म एंड कंडीशन को हम आपको बता देते हैं। देखिए सर, जो टर्म एंड कंडीशन ये कहता है कि आपको जो देख सकते हैं आपको 16 से 18 दिसंबर तक इसमें आप जो है पार्टिसिपेट कर सकते हो। यहाँ पे जो ये ऑफर खत्म नहीं होगा, 16 से 18 दिसंबर तक काम करेगा, मतलब कि 16 से 18 दिसंबर तक आपके पास समय है, इसलिए जो है आप जो इसको पार्टिसिपेट कर लीजिएगा। इसमें से आपको करना क्या चाहिए, आपको चार पेमेंट करना होगा। चार पेमेंट करने के लिए आपके पास क्या करना होगा, सबसे पहले चार पेमेंट करने के लिए आपको कुछ नहीं, आपके पास जो है पेटीएम का केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए। अगर पेटीएम का केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो आपको पेटीएम का जो है कैशबैक नहीं मिलेगा। देखिए इसमें से कह रहा है कि यहाँ पे जो आप चार बार पेमेंट करिएगा 50-50 रुपये करके, जिसमें से आपको एक दिन में एक करना है, और चार जो है डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट पे आपको ट्रांसफर करना है, वो भी जो मर्चेंट अकाउंट का। अगर आप मर्चेंट अकाउंट पे चार बार ट्रांसफर कर देते हो, जिसमें से आपको पेटीएम जो है आपको 50 रुपये करके बार बार भेजना है, जिसमें से आपको पेटीएम 40 रुपये का कैशबैक देगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि ये जो कैशबैक आपको तब मिलेगा जब आप डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट पर आपको भेजना है। दोस्तों अभी जो पेटीएम का फंडा है बहुत ही अभी जो है मुझे लग रहा है कि बहुत ही खराब स्थिति चल रहा है, क्योंकि अगर आपके पास अगर चार मर्चेंट अकाउंट नहीं है तब आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। अगर सेम अकाउंट पे आप भेज देते हो तब पर भी आपको कैशबैक नहीं मिलेगा, इसलिए आपको चार डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट पे आपको बार बार, वो भी जो है मर्चेंट अकाउंट पे रहेगा तभी आपको मिलेगा कैशबैक। देखिए दोस्तों पेटीएम का जो दूसरा फंड हम आपको बताते हैं, यहाँ पे आपको मिल रहा है पेटीएम। यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल प्रीपेड का ऑप्शन पे आपको जाना रहेगा। देखिए दोस्तों आपको वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप कर देते हो तो आप थोड़ा सा भी मिस कर देते हो तो आपको ये सब जो है कैशबैक आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या करते हैं, फिर से ऑपरेटर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और जिस ऑपरेटर को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको मिल रहा है जो यहाँ पे कौन सा स्टेट का सिम है उसको भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। देखिए दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो है आपको फिर से मैं यहाँ पे जो 65 रुपये रख लेता हूँ। देखिए दोस्तों ये जो प्रोमो कोड है ये सभी के अकाउंट में अभी वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन आप इसको जरूर ट्राई कर लेना। देखिए दोस्तों यहाँ जो है फास्ट एंड फॉरवर्ड ऑप्शन पर क्लिक नहीं करके प्रोसीड टू रिचार्ज ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ से फिर से आ गया वही फंड हाइवा प्रोमो कोड का। हाइवा प्रोमो कोड ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक प्रोमो कोड को टाइप करना है, GRAB ग्रैब आपको लिखना है, और ग्रैब 50 को आपको यूज करना है। ग्रैब 50 को अगर आप यूज करते हो तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा फंडा में दिखा रहा है कि ग्रैब 50 अप्लाई नहीं होगा, तो इसमें से आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर ग्रैब 50 अप्लाई होता तो आपको 50 रुपये का कैशबैक मिलता। देखिए दोस्तों ये जो ग्रैब 50 है सभी अकाउंट में अप्लाई नहीं ले रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा जो है एक अकाउंट है जिसमें अप्लाई ले रहा है। देखिए दोस्तों ये जो पहला रिचार्ज करिए या फिर दूसरा रिचार्ज करिए या फिर तीसरा रिचार्ज कीजिए या फिर चौथा रिचार्ज कीजिए, अगर आपका अकाउंट में अप्लाई होने का रहेगा तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा। देखिए दोस्तों मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि अगर आप जो पहला रिचार्ज करते हो तो 50 या फिर PCC फर्स्ट या फिर फर्स्ट को अप्लाई करके करना। और देखिए दोस्तों यहाँ पे जो ग्रैब 50 अगर अप्लाई ले रहा है आपके अकाउंट में तो आप दूसरा रिचार्ज या फिर तीसरा रिचार्ज कर लेना। देखिए दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई भी प्रोमो कोड आपके अकाउंट में अगर जो है लिख रहा है, आप अप्लाई कर रहे हो तो लिख रहा है यू हैव एक्सीडेड मैक्सिमम ऑफ प्राइस, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ फिर से, ये या फायर स्टे फर्स्ट को अगर हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे मुझे जो है एक फंडा दिखाता है, या IRST यहाँ पे फंडा दिखा रहा है कि मेरा अकाउंट में ये अप्लाई नहीं होगा। लेकिन हम करेंगे क्या, हमें सिर्फ एक एप्लीकेशन को करने की जरूरत है डाउनलोड, उसका नाम है मोचैट, या फिर आप पैरेलल स्पेस को डाउनलोड कीजिए, उसके बाद फिर अपना जो एप्लीकेशन को पेटीएम का क्लोन कीजिए, उसके बाद फिर सेम टू सेम मोबाइल नंबर से लॉगिन कीजिए, उसके बाद फिर से जो है फर्स्ट को अप्लाई कीजिएगा, तो आपके अकाउंट में 100% का फंडा है कि आपका जो है अप्लाई ले लेगा। अगर ये ऑप्शन आपको मिल रहा है यहाँ पर लिख रहा है यू हैव एक्सीडेड मैक्सिमम ऑफ प्राइस, तो यहाँ पे कटने यहाँ पे जो है ग्रैब 50 अगर आपका अकाउंट में अप्लाई नहीं ले रहा है तो यहाँ पे मैं आपको दूसरा जो है भी बता देता हूँ। देखिए पेटीएम का दूसरा फंडा ये है कि अगर ग्रैब 50 के अकाउंट में अप्लाई नहीं ले रहा है तो यहाँ ग्रैब जो है 25 को भी आप यूज कर सकते हो। देखिए ग्रैब 25 भी एक प्रोमो कोड है जिसमें से यहाँ पे आपको 25 रुपये पेटीएम कमाने का मौका दे रहा है, ये आपको 100% का कैशबैक देगा, मतलब इसका जो टोटल कैशबैक देखा जाए अमाउंट तो यहाँ पे आपको 25 रुपये का कैशबैक मिलेगा। लेकिन आपको जो 25 रुपये का कैशबैक मिलेगा तब जब आप जो है 100 रुपये का रिचार्ज कीजिए कम से कम। तो देखिए पेटीएम का यह फंडा है जो कि मैं आपको बता देता हूं पूरा डिटेल्स में, जैसे कि आप कोई भी रिचार्ज करते हो जैसे कि 10 रुपये का या फिर मतलब कि 35 रुपये का या फिर 65 रुपये का या फिर 50 रुपये का। देखिए 50 रुपये का जो रिचार्ज होता है जियो में सिर्फ होता है और कोई भी अकाउंट में जैसे कि एयरटेल वोडा आइडिया ये सब में नहीं होता है, इसलिए अगर आप जो ग्रैब 50 को अप्लाई करके ग्रैब 50 का मतलब कि रिचार्ज कर रहे हो और ग्रैब 50 यूज कर रहे हो तो आपको जो टोटल मतलब कि 10% का कैशबैक मिलेगा। टोटल यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 5 रुपये का ही कैशबैक मिलेगा, इसलिए आप जितने को भी रिचार्ज करो उसमें से आपको जो है 10% का कैशबैक मिलेगा। और टोटल जो कैशबैक मिलाकर देखा जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो टोटल मिलाकर अगर देखा जाए तो आप 100 रुपीज़ का भी रिचार्ज करेगा तो सिर्फ और सिर्फ आपको 10 रुपया ही मिलेगा, आपको 25 रुपया नहीं मिलेगा। मैं आपको बता देता हूँ इसके लिए सॉरी, आपको सिर्फ और सिर्फ 10 रुपया मिलेगा। आपको जितने रुपये का भी रिचार्ज करो सिर्फ और सिर्फ आपको 10% का कैशबैक मिलेगा। टोटल इसका जो कैशबैक अमाउंट देखा जाए तो आपको 25 रुपये का कैशबैक मिलेगा जितने रुपये का भी आप रिचार्ज करो। तो
आपको मन में लग रहा होगा कि मैं 500 रुपये का रिचार्ज करूंगा उसका 10% मिलेगा, ये नहीं है। सिर्फ और सिर्फ टोटल अगर देखा जाए तो आपको 10% अगर मैक्सिमम कैशबैक होता है तो सिर्फ और सिर्फ आपको 25 रुपया ही मिलेगा। देखिए पेटीएम का यहाँ पे दूसरा जो मैं आपको बता देता हूँ पेटीएम का प्रोमो कोड, देखिए यहाँ पे जो कट का ऑप्शन मिल रहा है, कट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना रहेगा। देखिए पेटीएम का फंडा ये कहता है कि अगर आप मंथली 30 को यूज करते हो तो, लेकिन अगर जो MONTHLY मंथली तो उसके बाद फिर 30 को हम अगर अप्लाई करते हैं तो ये प्रोमो कोड जो है एक्टिव नहीं है, इसलिए हमें मंथली 30 को अप्लाई नहीं करना है, मंथली 30 को नहीं देखना है, हमें देखना है कि अच्छे से मंथली 20 को आप देख लेते हैं। देखिए मंथली 20 को अगर आप देखते हो, इसमें से भी मेरा जो है पेटीएम कह रहा है कि आपके अकाउंट में जाओ नहीं लेंगे अप्लाई, तो हमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मंथली 30 को तो आप देखना ही मत क्योंकि ये जो ये है एक्टिव नहीं है, इसलिए आप जो मंथली 20 को देख लेना एक बार। आपके अकाउंट में अगर अप्लाई ले रहा है तो आपको 20 रुपीज़ का कैशबैक मिल सकता है। देखिए दोस्तों इसमें से अगर आप जब वॉलेट से भी पे करते देते हो ना तब पर भी आपको 20 रुपये का कैशबैक मिलेगा, जो कि 50 रुपये का भी रिचार्ज करोगे तो, या फिर आप 35 रुपये का भी रिचार्ज करोगे तो, इसमें कोई भी फंडा नहीं है। आप 20 रुपये का रिचार्ज करो, 20 रुपये का कैशबैक कमाओ मंथली 20 को अप्लाई कर। इसमें से पेटीएम सिर्फ और सिर्फ इसी का यही कहता है कि आप 20 रुपये का रिचार्ज करो या फिर 35 रुपये का रिचार्ज करो, आपको टोटल जो कैशबैक मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये ही, और आप अपने वॉलेट से पे करो या फिर UPI से, आपको जैसे भी पे करना है जैसे पे कर दो। या फिर जो मंथली 20 का तो हो गया, मंथली 20 का जो यहाँ पे फंडा सुलझ गया। अब यहाँ पे देखते हैं मंथली 10 को अगर आप अप्लाई करते हो तो, यहाँ पे देखते हैं मंथली 10 भी अप्लाई हो गया, इसलिए आप इसको ट्राई मत करना। देखिए मंथली 10 के जहाँ पे एक जो है यहाँ पे प्रोमो कोड हमें दे दिया है, हमें करना क्या चाहिए, LUCKY लक्की 200 को आप अप्लाई कर सकते हो। देखिए लक्की 200 को अगर आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपको जितने रुपये का रिचार्ज कर रहे हो उतने रुपये का आपको 100% का कैशबैक देगा, लेकिन यहाँ पे लक्की विनर को चुना जाता है, इसलिए इसको जो है आप ट्राई मत करना, ट्राई ऐसा समय करना जब आपके पास कोई भी पेटीएम का प्रोमो कोड अप्लाई नहीं ले रहा है तब आपको इसको ट्राई करना है। देखिए लक्की 20 को लक्की 200 को आप यूज करते हो तो यहाँ पे आपको 100% का कैशबैक दे रहा है, लेकिन ये आप जो है लक्की विनर रहेंगे तो ये आपका लक के ऊपर डिपेंड करेगा, ना कि ये जो 100% का कैशबैक जो आपको का गारंटी है, इसलिए आप इसको ट्राई ही मत करना। अगर आपके पास कोई भी पेटीएम का प्रोमो कोड नहीं है तब इसको ट्राई करना। देखिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रहेगा, वीडियो जो है काफी लंबी चौड़ी हो गई है, तो पेटीएम का अगला फंडा देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगी उस पर भी आपको क्लिक कर देना है, ताकि हमारे और भी पेटीएम का फंडा आपको मिलता रहेगा बिल्कुल फ्री में। तो इस वीडियो में इतना ही रहता है दोस्तों, मिलते हैं, टाटा बाय बाय।